उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने हंगामा भी किया है और इस दौरान विपक्ष के विधायक पोस्टर लेकर बेल तक पहुंच गए। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया, जिन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 नए मंत्रियों का भी परिचय कराया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में अनिल कुमार, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में दारा सिंह चौहान और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बता दें कि आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। वही सत्र खत्म होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कल हम अनुपूरक बजट लेकर आने वाले हैं। प्रदेश की विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी 4 मंत्रियों का मैं इस माननीय सदन से परिचय कराना चाहूंगा। इसमें पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में श्री ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी को, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी को और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये 4 मान्य सदस्य जो इस मान्य सदन के सदस्य भी थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस मान्य सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद। सभा सत्र में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर, हर मोर्चे पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी विधानसभा सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कल हम अनुपूरक बजट लेकर के आने वाले हैं। प्रदेश के विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं।